गोवा पुलिस ने मडगांव में हुए बम धमाके में सनातन प्रभात संस्था का हाथ होने की पुष्टि कर दी है और इस संस्था का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुआ जिसमें उन्होंने इससे इनकार भी कर दिया। लेकिन आज तक के हाथ कुछ ऐसे सनसनीखेज सुराग लगे हैं जो सनातन संस्था के विवादास्पद इतिहास की ओर इशारा कर रहे हैं। यह है रमेश गडकरी और इसका दावा है कि यह सनातन प्रभात संस्था का सदस्य है। ठाणे के एक थिएटर में 4 जून 2008 को बम ब्लास्ट केस आरोपी का यह है काला चिट्ठा। आज तक के हाथ लगे इन दस्तावेजों में छुपा है बम धमाकों का सनसनीखेज सच। सच कि कई धमाकों से है संस्था से जुड़े लोगों का नाता। 2 सालों में कई बार रची साजिश, हर बार आश्रम में रची गई थी साजिश, जो पुलिस की पूछताछ में कबूला है खुद रमेश गडकरी ने। गडकरी ने कबूल किया है कि ठाणे थिएटर में बम ब्लास्ट में मंगेश निकम, विक्रम भावे मददगार बने और ये दोनों सनातन प्रभात संस्था के सदस्य थे। दोनों ने संस्था के ही एक और सदस्य संतोष आंगरे को बम सौंपा था और संतोष आंगरे ने ये बम प्लांट करने के लिए संस्था की ही मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। बावजूद इसके संस्था कह रही है कि वो पाक साफ है। इसमें से दो कार्यकर्ता सनातन आश्रम में रहते थे, उन कार्यकर्ताओं की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो कंक्लूजन पुलिस ने निकाला। पुलिस ने कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया है। आज हम लोकशाही में रहते हैं, भारत के अंदर लोकशाही है, न्यायपालिका उसके लिए रखी गई है सरकार ने। न्यायाधीश बताएगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। जबकि पुलिस की माने तो रमेश गडकरी ने इसके अलावा भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस धमाके से 4 दिन पहले रमेश गडकरी और मंगेश निकम ने नवी मुंबई में विष्णुदास भावे थिएटर में भी इसी तरह बम रखा था, लेकिन रिपोर्ट नहीं चला और साजिश फेल हो गई। लेकिन 20 फरवरी 2008 को ये जोधा अकबर फिल्म के खिलाफ पनवेल के सिनेराज थिएटर में धमाका करने में कामयाब रहे। इसके अगले दिन इन लोगों ने पेण के एडलैथ थिएटर में भी बम रखा था, लेकिन बम नहीं फटा। पुलिस के मुताबिक ये सिलसिला शुरू हुआ था 2007 में धनतेरस पर खोपोली और पनवेल में 2 बम विस्फोटों से। ये दोनों बम विस्फोट शंकराचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ किए गए थे और ये बम बांस में पटाखे का चूरा डालकर तैयार किए गए थे। दोनों बम बेदम थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये घटना बड़े बम धमाके की शुरुआत थी। राहुल महाजनी के साथ आशीष खेतान, मुंबई आज तक। ये खुलासे वाकई में चौंकाने वाले हैं। उम्मीद है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी धमाके से जुड़े कई और खुलासे भी सामने आएंगे।